देख रहे हैं आप क्या हो रहा है इस घर में? देखना क्या है, क्या देखना है? कभी सोचा भी नहीं था कि यह दिन देखना पड़ेगा। कमाल हो गया, भाभी ने जिस तरह आपसे बात की है और छोटे से बच्चे को आपके सामने खड़ा कर दिया लाकर, हद हो गई है। कुछ तरीका है बात करने का? ये भी नहीं सोचा वो बच्चा है, उसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? मुझे उसकी परवाह नहीं है कि वो, मुझे ये फिक्र है कि भाभी जो सोच रही है उससे मुझे कितना नुकसान पहुंचने वाला है। उनके लक्षण देखकर और उनके तो बातें देखकर लग रहा है बहुत कुछ उल्टा चल रहा है। अरे उन्होंने सबके सामने बता दिया है मुझे कि ये कारोबार फाखिर का है। अब काम सिखाने के बहाने से उसे दफ्तर भेजेंगी। हम तो जैसे मुंह तकने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। इतने सालों की मेहनत के बाद जी हुजूरी करनी पड़ेगी उसकी। क्या कह रहे हैं आप? भाभी भाई साहब की जगह फाखिर को बिठाना चाहती है? जी। अरे वो बच्चा है अभी, उसको क्या पता कारोबार क्या होता है, कैसे चलता है और वो कर भी कैसे सकता है? आप यही तो मुझे देखना है कि वो कैसे करेगा कारोबार। आप बात करें ना उससे, दामाद है वो हमारा, उसको हमारी सुननी चाहिए। कोई फायदा नहीं है उससे बात करने का, भाभी अपनी उंगलियों पर चलाएंगी उसे। इतनी चालाक, इतनी होशियारी, कहाँ छुपा कर रखी थी उन्होंने इतने सालों से? कल के बच्चे को जमे जमाए कारोबार पर बिठाएंगी और यहाँ तक नहीं सोचा अभी कि आप बड़े हैं इस घर के भाई साहब के बाद, आपका हक है कारोबार पर सबसे पहले। मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। कल के बच्चे को मुझसे ऊंचा दर्जा दिया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो भाई साहब का बेटा है, ऐसे कोई गद्दी नशीन हो? नहीं हबीब, हबीब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप ऐसे नहीं चुप बैठेंगे, प्लीज कुछ करें, कुछ करना पड़ेगा आपको। कुछ करना पड़ेगा, कुछ करता हूँ।